जितनी महिलाएं हैं यहाँ पर जो बैठी हैं, जो बाबा साहेब के मिशन को, भारत को बौद्धमय बनाने के लिए, इन सारे जो हिंदूवादी, ये जितने आडंबर है इसको छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। हाथ उठाइए जितनी महिलाएं तैयार हैं खुद से स्वेच्छा से। गए इसी प्रकार से बाबा साहब जब हम लोगों को अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे तो बहुत लोग बाबा साहब को कोसते थे, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं या तो अपने समाज को इस ब्राह्मणवाद रूपी पहाड़ से निजात दिलाऊंगा या तो अपने आप को गोली मार लूंगा। और बाबा साहब ने लगातार प्रयास करते हुए संविधान में देखिए हम लोगों के लिए इतने बड़े बड़े प्रोविजन करके गए, इतने बड़े बड़े अधिकार दे करके गए, और हमने क्या किया, उस रास्ते पे रास्ता बना दिया हमारे को चलने के लिए। और हमने क्या किया, भगवान बुद्ध का मार्ग दिया कि हम उसके सहारे जो है इस मिशन को आगे बढ़ाएं। हमने क्या किया, बाबा साहब जालंधर की सभा में बोल रहे थे जाओ और जाके अपने घरों की दीवारों पे लिख दो तुम इस देश की शासक कौमें हो, तुमको इस देश पे राज करना है। और हमने क्या किया, हम तो बाबा साहब को सुन के आए, बढ़िया सुन करके आए, और फिर क्या किया, हमने अपने अपने घरों की दीवारों पे लिखवाया जय श्री राम, जय माता दी, जय भोले बाबा, जय धनधर शत्रु है तू ही निरंकार है तेरा ही सहारा। अरे भाई जिसने सहारा दिया उसका तो कहीं नाम नहीं, और जिन लोगों ने कोई सहारा नहीं दिया आप सब उसके सहारे हो लिए, यही मिशन चाहते थे बाबा साहब। बाबा साहब का केवल जीवन में दो ही उद्देश्य था, बहुत संक्षिप्त शॉर्ट में मैं जो अपनी बात ये कहूंगी कि दो ही मिशन था बाबा साहब का, एक तो अपने लोगों को शासक कौम बनाना और दूसरा था भारत को बौद्धमय बनाना। और उस भारत को बौद्धमय बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम महिलाओं के ऊपर डाल करके गए, क्योंकि बाबा साहेब के मिशन को माननीय कांशीराम साहेब ने देखिए अपनी सशक्तिकरण दिखा के चले गए। उत्तर प्रदेश में हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार शासन करके गए, और आने वाले समय में देखिएगा कि हम भारत पे भी राज्य करने के योग्य होंगे। तो मान्यवर साहब की राजनीतिक चेतना तो दिखाई दी, लेकिन बाबा साहब का बौद्धमय भारत का सपना बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो हम महिलाओं की है। यहाँ जितने सारे पुरुष लोग बैठे हैं जो अपनी पत्नियों के साथ आए हैं, बहनों के साथ आए हैं, बेटियों के साथ में आए हैं, सिर्फ एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि अपनी पत्नियों को वो गहने और जो है ये भाई आडंबर से रोक सकते हैं, कितने लोग यहाँ पर हैं जो रोक सकते हैं? कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर जो बैठी हैं, जो बाबा साहेब के मिशन को, भारत को बौद्धमय बनाने के लिए, इन सारे जो हिंदूवादी, ये जितने आडंबर हैं इसको छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? हाथ उठाइए जितनी महिलाएं तैयार हैं खुद से स्वेच्छा से। तो ये जान लीजिए बाबा साहेब, अरे भंते जी की तो कोई बात ही नहीं है, भंते जी ने तो अपना पूरा जो है जीवन ही दे दिया। नहीं नहीं महिलाएं हाथ खड़ी कर रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत इसी बात को मैं करके अपनी बात को एक चीज खत्म करूंगी कि बौद्धमय भारत का सपना ये बाबा साहब का था, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हमारा जो असली गहना है वो ये चूड़ी बिंदी पायल बिछिया कंगन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, इन गहनों से हमारी पत्नियां, हमारी बेटियां कभी खूबसूरत नहीं लग सकती हैं। वो गहना करुणा, मैत्री, क्षमा, शील, ये सारे हमारे गहने हैं जो हमारी वास्तविक खूबसूरती को, आंतरिक खूबसूरती को लेकर के बाहर दिखाते हैं। इसी गहने को यदि हम लेकर के आते हैं तो ही हम अपने जो है मिशन को भारत के आगे, मतलब मिशन को, बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं एक बहुत छोटी सी बात कह के अपनी जी मैं अपनी बात खत्म करूंगी, बस एक बहुत छोटी सी बात है, दो मिनट के अंदर मैं कहूंगी कि ये ओके तो मैं अपनी बात को इसी से समाप्त करती हूँ। मैं दो लाइन ये कहूंगी कि नहीं नहीं बोलने दो, नहीं मैं खुद ही बहुत लेट हूँ, मैं खुद क्षमा चाहती हूँ। चलिए मैं अपनी बात को इन्हीं सारी बातों के साथ समाप्त करूंगी। मैं एक प्रण लेकर के आप लोगों से यहाँ से जाना चाहूंगी कि आप सारे पुरुष लोग जो आए हैं यहाँ पर अपने अपने घरों में एक छोटा मंदिर स्थापित कीजिए, बाबा साहब भगवान बुद्ध का उस पे चित्र लगाइए, और हर इतवार को आप स्वयं बैठ करके पूजा कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग भगवान बुद्ध और बाबा साहब तत्कालीन पंचशील नहीं करेंगे घर घर, हम इस सपने को कदापि आगे नहीं कर सकते। तो इन सारी बातों के साथ जितनी बात को समाप्त करती हूँ, सबर है नमो बुद्धाया, ये भी एक लाइन और दिया है, ना रब ने दिया है ना सिकंदर ने दिया है, जो कुछ दिया है बाबा अम्बेडकर ने दिया है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाया।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।